Hi guys, welcome back to my YouTube channel शिखा फिल्म ऑफिशियल। आई होप ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो आज है पतिदेव का बर्थडे और आज है नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। तो नवरात्रि के फर्स्ट और लास्ट का हम सब लोग घर में फास्ट रहते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये मिठाई वाला मतलब व्रत वाला केक मंगवाया है, जो खोए का होता है वो, क्योंकि वैसा हम कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, तो सब लोग खा भी लेंगे, इसीलिए हमने इसको इस तरीके का केक मंगवाया है। तो आज है पतिदेव का बर्थडे और आज है नवरात्रि का आठवां दिन। तो हम फर्स्ट और आठवें को हम अष्टमी जो बोलते हैं उसको हम पूरा जो फैमिली है हमारा, तो हम वो फास्ट रहते हैं सब लोग। तो सब लोग आ गए हैं, केक कटिंग हो रहा है, यहाँ पे गौरी भी, भाभी, मम्मी सब लोग हैं और मैं शूट कर रही हूँ इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे मैच भी चल रहा है साथ साथ और केक कटिंग हो रहा है, सब लोग बच्चे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट डे हो गई है मॉर्निंग की और आज है नवरात्रि का लास्ट डे और हमारे यहाँ नौवीं कन्या पूजन होता है, यानी नौवें दिन कन्या पूजन होता है। किसी किसी के यहाँ सातवें दिन होता है, किसी किसी के यहाँ आठवें दिन होता है, तो हमारे यहाँ नौवें दिन होता है। तो मैं एकदम जल्दी से उठ गए हैं क्योंकि पूजा पूजा वगैरह करनी है सब लोगों को। और यहाँ पे मैं आपको भी बाहर दिखा देती हूँ, बहुत अंधेरा हो रहा था, 4:30 बज रही थी तो मैं उठ गई थी और मैंने अपने रूम में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की एंड उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी क्योंकि जल्दी से शादी पूजा का तैयार करना था। और मैं एकदम गुड गर्ल बन के नहा के हो गई हूँ रेडी और अभी चलते हैं नीचे किचन में। मैं नीचे अभी किचन में आ गई हूँ और मैं एकदम किचन में आके खाने की तैयारी में लग गई हूँ क्योंकि अभी गौरी भी नहाने गई है, मम्मी भी नहाने गई हैं, तो हम सब लोग साथ ही उठ गए थे, जल्दी उठ गए थे। तो गौरी ने सारी नीचे की साफ़ सफाई वगैरह सब लोग सब कुछ कर दिया और मैं सीधे नहा के किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद मम्मी भी नहाने गई हैं तो वो सब हम पूजा वगैरह सब लोग करेंगे। अभी सब लोग सो रहे हैं और क्योंकि अभी सब लोग एक साथ नहीं उठाते क्योंकि फिर होता है ना कि हमारी तैयारी हो जाए एक बार सारी, उसके बाद हम सब लोग उठाते हैं, लाइक जैसे पापा, भैया और मतलब मेरे पति देव, तो सब लोग पूजा करेंगे एक साथ। तो इसीलिए पहले खाने की सारी तैयारी कर लेते हैं, पूजा की सारी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब लोगों को उठाएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे पूजा। तो अभी चलो फटाफट से मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद हम करेंगे पूजा। तो यहाँ पे पापा और भैया और ये भी खड़े हैं पूजा करने के लिए, तो सब लोग यहाँ पे दादी भी रेडी हो गई हैं नहा के पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हम सब लोग एक एक करके पूजा करेंगे और फिर मैं कन्या जो हमने कन्या को खाना खिलाया था वो मैं एकदम भूल गई रिकॉर्ड करना, मतलब अभी इतना हैबिट में नहीं है कि हम लोग व्लॉग कर रहे हैं कुछ, तो मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में, जो ध्यान रहता है वो शूट कर लेती हूँ। तो शाम को हमने ये माता रानी के भजन गाए थे ढोलक पे, तो हम लोग साथ में थोड़ा बहुत जो भी जितने भी लोग हैं साथ में, बाहर से किसी को नहीं बुलाया था क्योंकि फिर कोई आता भी नहीं है, सब अपने अपने उसमें बिजी रहते हैं और सब अपने अपने यहाँ पूजा करते हैं, तो इसीलिए सिर्फ अपने जो भी अपने घर में थे वही हम लोगों ने साथ में बैठ के माता रानी के कुछ भजन गाए थे क्योंकि आज माता रानी का लास्ट डे है, तो इसीलिए भजन गाना तो बनता है।
यहाँ पे नेक्स्ट डे मतलब दशहरा वाला दिन, तो आज है दशहरा, तो यहाँ पे दशहरा की पूजा होगी। तो यहाँ पे मम्मी ने दशहरा का कुछ बनाया है गोबर से या कुछ, इसकी पूजा होगी। तो मुझे पूरा एग्जैक्टली तो नहीं पता पूरा। और यहाँ पे ये इसकी मस्ती चल रही है, सारे टॉयज़ एक तरफ, और इस तरीके के टॉयज़ इसको अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ही मम्मी थाल सजा रही हैं पूजा के लिए, और यहाँ पे फिर पापा आ गए हैं नहाने के बाद। यहाँ पे पूजा हो रही है दशहरा की, और सबके यहाँ होती होगी शायद, अब पता नहीं मुझे, बट हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा होती है दशहरा की। सो या गाइज, आई जस्ट होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।